ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति। संस्कृत के सभी विद्यार्थी, सुधी समुपासक, महाकवि बाणभट्ट विरचित कादंबरी का शुकनास उपदेश खंड प्रत्येक युवा, प्रत्येक युवती, यौवन की दहलीज पर पैर रखने वाले हर युवक युवती के लिए कारगर है। रामबाण औषधि है, मील का पत्थर है। ये केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है। आइए शुकनासोपदेश गद्य खंड, जो कादंबरी का सुंदर कांड है, उसके उपदेशों को जीवन में उतारें, खास करके जब यौवन शुरू होता है। क्या कहते हैं बाणभट्ट? शुकनासोपदेश खंड का चौथा गद्य है। इंद्रिय हरिण हारिणी च सतत दुरंते यम उपभोग मृग तृष्णिका। बहुत सुंदर। इंद्रिय रूपी हरिणों को हरने वाली, मूल शब्द हरिण है, अपभ्रंश होकर हम हिरण बोलते हैं। ये हमारे जो इंद्रियां हैं, वो एक तरह से वो हिरण हैं जो हर लिए जाते हैं। किसके द्वारा हर लिए जाते हैं? उपभोग की मृग तृष्णा, खाने पीने भोग की जो मृग तृष्णा है, उस मृग तृष्णा के द्वारा इंद्रिय रूपी हिरणों को हर लिया जाता है। इन इंद्रियों का अपने वश में नहीं रहती हैं ये। तो कहते हैं कि इंद्रिय हरिण हारिणी च सतत दुरंता इयम उपभोग मृग तृष्णिका। उपभोग की यह मृग तृष्णिका, युवावस्था में आते ही भोग की जो प्रवृत्ति है, लालसा है, यह बहुत कष्टदायक है, दुरंता है, निरंतर ठगती रहती है। किस प्रकार ठगती रहती है? रूपक का प्रयोग किया है महाकवि ने। उन्होंने यहां इंद्रियों में किसका आरोप कर दिया? हरिणों का। अर्थात जिस प्रकार हरिण, हिरण, वन में हिरण उस मृग तृष्णा के व्याध से फंस जाते हैं, भागते रहते हैं, उन्हें वन में रेतीले, उस रेगिस्तान में, रेगिस्तान में दूर दूर तक जहां पानी का कोई नामो निशान नहीं है, किंतु हिरणों को सामने परिदृश्य दिखाई देता है कि आगे सरोवर है, तालाब है, पानी है, और वो भागते रहते हैं। वो जो गर्मी, प्रचंड गर्मी में, रेगिस्तान में, मरुस्थल में जो ज्वालाएं उठती हैं, वो पानी का भ्रम पैदा करती हैं, सरोवर का भ्रम पैदा करती हैं। आम व्यक्ति को भी सड़क पर जब वाहनों में चलते हैं तो गर्म ग्रीष्म में वो पानी दिखाई देता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। इसको मृग तृष्णा कहते हैं। जैसे ही पास में जाते हैं तो लगता है वहां कोई पानी नहीं होता है, फिर आगे पानी दिखाई देता है सड़क पर, डामर, तपती हुई डामर पानी का आभास कराती है। ठीक, हिरणों को रेगिस्तान में वो पानी दिखाई देता है, लेकिन वो वहां जाते हैं फिर पानी नहीं है, आगे जाते हैं वहां भी पानी नहीं है, भटकते रहते हैं, कष्ट देती है उपभोग की मृग तृष्णा। उसी प्रकार इंद्रिय रूपी हिरणों को उपभोग की मृग तृष्णा कष्ट देती है, क्योंकि उपभोग भोग कभी भी शांति नहीं कराते हैं, तृष्णा बढ़ाते हैं, व्यक्ति भटकता रहता है और ज्यादा पाने में, और ज्यादा पाने में। तो ये मृग तृष्णा जिस प्रकार हिरणों को कष्ट देती है, उसी प्रकार विषयों को भोगने की लालसा हमारे इंद्रिय रूपी हिरण उसमें भटकते रहते हैं। कहीं कोई शांति नहीं है, कोई चैन नहीं है, उसमें तो हर क्षण बेचैनी है। ध्यान रहे, इसलिए भोग की मृग तृष्णा, भोगों का कहीं अंत नहीं है। हे चंद्रापीड, शुकनास का उपदेश चंद्रापीड के लिए, शुकनास महामंत्री हैं। अगली बात कहते हैं, नव यौवन कषायितात्मनश्च सलिलानिव तान्येव विषय स्वरूपाण्यास्वाद्यमानानि मधुरतराण्यापतन्ति मनसः। बाणभट्ट की जो गद्य शैली है बड़ी कठिन भी है। बाणोच्छिष्टम् जगत सर्वम् कहते हैं कि नव यौवन से कसे ले मन वाले व्यक्ति को, इसको पहले समझे सामान्य बात क्या है और उसको उपमानों में कैसे पिरोया है महाकवि ने। तो नव यौवन से कसे ले मन वाले व्यक्ति को, सलिलानि एव, किमेव सलिलानि एव, जिस प्रकार जल, तानि एव विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुरतराणि आपतन्ति मनसः। भोगे जा रहे विषयों का स्वाद बड़ा मधुरतराणी, मीठा लगता है। नव यौवन के कारण, यौवन के कारण, मधुमाता यौवन जब प्रवेश करता है,
जीवन में, तो विषय विषयों का जो जो रस है बड़ा मीठा लगता है, किंतु वास्तव में मीठा नहीं है। यहाँ बड़ा मार्मिक संदेश है युवाओं के लिए, भोगे जा रहे विषयों का जो स्वाद है बड़ा मीठा लगता है, उसका कारण नवयौवन है। विषय कभी मीठे नहीं हैं, विषयों का स्वाद तो विषय ही है, वो मीठे नहीं हैं, कड़वे भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। किंतु जिसका मन नवयौवन से, जिसका अंतकरण राग द्वेष से, जिसका अंतकरण ऐसा हो गया है, कसैला हो गया है, जिस प्रकार आंवला खा लेने से, कसैला फल खा लेने से मुंह में स्वाद, उसके बाद में जब पिया जा रहा पानी बड़ा मीठा लगता है, तो पानी है, पानी में मीठापन नहीं है, पानी में किसी ने शर्करा थोड़ी घोली है। लेकिन कसैला फल खाने से जिस प्रकार पानी, उसके बाद पिया गया पानी बहुत मधुर मीठा लगता है, उसी तरह उसी प्रकार नवयौवन से जिसका अंतकरण राग द्वेष से युक्त हो गया है, उस व्यक्ति को भोगे जा रहे विषयों का भोग बड़ा मधुर बड़ा आकर्षक लगता है। इसलिए ध्यान रहे, ऐसे कसैले मन वाले व्यक्ति को जो विषयों का भोग मीठा लगता है, विषय विषय हैं उनमें मीठापन नहीं है, यौवन के कारण अच्छा वो आकर्षण है, तो यौवन से सावधान रहें, कहीं डूब न जाएं उसमें। पूरी तरह अपने लक्ष्य को, अपने गोल को सेट करो, एम को लेकर चलो। अगली बात कहते हैं, नाशयति च दिङ् मोहः, नाशयति च दिङ् मोहः इवोन्मार्ग प्रवर्तकः। नाशयति नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। दिङ् मोह, दिङ् मोह का मतलब है भ्रम, दिशा भ्रम, दिङ् मोह, दिक् मोह, दिङ् मोह, दिशा भ्रम। रेगिस्तान में, रेगिस्तान में यदि थार या सहारा के रेगिस्तान में अगर व्यक्ति भटक जाए रास्ता, तो भटक 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 कर भ्रमित होकर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसे दूर दूर तक हजारों किलोमीटर दिशा का कोई बोध नहीं होगा। उन्मार्ग प्रवर्तक, जिस प्रकार दिक् भ्रमित हुए व्यक्ति को कुमार्ग पर, कुमार्गगामी व्यक्ति को नष्ट कर देता है। मर्क क्या, अत्यासंगह विषयेषु, विषयों में जो अत्यधिक आसक्ति है, विषयेषु अत्यासंगह पुरुषम नाशयति, जिस पर जिस प्रकार उन्मार्ग प्रवर्तक व्यक्ति को दिग्भ्रम नष्ट कर देता है। ये तो हो गया उपमान कि दिशा कुमार्गगामी, जिसको रास्ता भटक गया है, ऐसा व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को दिङ् मोह नाशयति, जिस प्रकार दिशा का भ्रम बर्बाद कर देता है, उसे कुछ लक्ष्य दिखता ही नहीं, कहाँ जाना है, उसी प्रकार बात कह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, उपमेय विषय क्या है, विषयेषु अत्यासंग, यौवन के समय में विषयों में अत्यधिक आसंग, आसक्ति, विषयों का निरंतर ध्यान करते रहना, सदैव मन में शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ये लेके चलना, ये है विषयों में अत्यधिक आसक्ति, ये पुरुष को नष्ट कर देती है, व्यक्ति को बर्बाद कर देती है, कहीं नहीं ले जाएगी, वो उसी के बारे में सोचता रहता है। यहाँ भगवान कृष्ण की बात कहना बिल्कुल हमें संदर्भित प्रासंगिक है कि द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण का मार्मिक संदेश कि ध्याये तो विषयानुपुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये चैन है, ये कड़ी है, अगर आप अत्यधिक आसक्ति हुई तो व्यक्ति उसी में ख्याल में सोचता रहता है, आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से काम पैदा होता है, काम में बाधा पड़ने से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से स्मृति भ्रम, क्रोध भवति सम्मोह, और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, फिर बुद्धिनाश पैदा होता है, जब बुद्धिनाश, बुद्धि में जंग लगना शुरू हो गया, तो फिर क्या रहा, उचित अनुचित का अंतर करने वाला विवेक ही खत्म हो गया, व्यक्ति नष्ट होते देर नहीं लगेगी, जीवन जिएगा, लेकिन मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, पशुओं की भांति। यहाँ शुकनास कहते हैं कि हे चंद्रापीड, विषयों में, सब्जेक्ट्स में सुख भोग, ये खा लूँ, पी लूँ, ये कर लूँ, यहाँ चला जाऊँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ, ये छू लूँ, इस प्रकार की जो ये युवावस्था में भयंकर आसक्ति है, इसका एक तरफा एकांतिक आदत नहीं होनी चाहिए,
ये उसी प्रकार व्यक्ति को बर्बाद कर देता है अपने लक्ष्य से, जिस प्रकार कुमार्गामी व्यक्ति को दिग्भ्रम नष्ट नष्ट कर देता है। भवादृशः एव भवन्ति भाजनान्युपदेशानाम्। अगली बात कहते हैं, किंतु तुम जैसे व्यक्ति ही भवादृशा, भव सदृशा, भवादृशा, भवान सदृशा, भवतः सदृशा, भवादृशा, आप जैसे लोग निर्मल मन वाले, जो अभी यौवन की दहलीज पर जिन्होंने पैर रखा है, जो किशोरावस्था पार करके युवावस्था में गए हैं, ऐसे लोग भाजनानी पात्र होते हैं केशम उपदेशानाम। इस प्रकार के उपदेशों के ये बात उनको बताएंगे तो वो अमल करेंगे तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा। एकदम छोटे बच्चों को भी ये विषय समझाया नहीं जा सकता है, जो गृहस्थ में प्रविष्ट हो चुके हैं जिम्मेदारियों के साथ, उनको भी नहीं, लेकिन जो बिल्कुल किशोरावस्था पार करके युवावस्था में गए हैं, उनके लिए ये उपदेश बड़े ही अनुकरणीय होते हैं। आप जैसे व्यक्ति ही पात्र होते हैं इन उपदेशों के। क्यों कहते हैं, क्यों? अगली पंक्ति देखिए, अपगते ही मनसी, अपगत मले ही मनसी। फिर अंतिम, इस गद्य की अंतिम जो उपमा है बड़ी सुंदर है, देखेंगे। स्फटिक मणौ इव रजनीकर गभस्तयः विशन्ति सुखेनोपदेश गुणाः। क्योंकि निर्मल मन में अपगत मल, अपगत का मतलब जिसमें से मल चला गया है, मैल हट गया है, ऐसा निर्मल मन में, मनसी सप्तमी एक वचन है, स्फटिक मणौ इव, ऐसी संधि हुई है यहाँ, स्फटिक मणि, स्फटिक मणि में किसकी किरणें प्रविष्ट होती हैं, रजनी करक अवस्थया, रजनी करक अस्ति चंद्रमा, चंद्र किरणें जिस प्रकार स्फटिक मणि में आसानी से प्रविष्ट हो जाती हैं और वो स्फटिक मणि चमकने लगता है, उसी प्रकार अपगत मले ही मनसी, तुम जैसे बालक जो किशोरावस्था पार करके अभी युवावस्था में आए, उन निर्मल मन वाले युवकों में सुखेन उपदेश गुणाः, इमे उपदेश गुणाः सुखेन विशन्ति, आसानी से चले जाते हैं, आसानी से समझा सकते हैं ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे युवाओं को, युवक युवतियों को जो अभी किशोर भाव से युवावस्था में आए हैं, क्योंकि अभी उनके मन में, उनके अंतःकरण में अभी कुवृत्तियां नहीं आई हैं, सांसारिक राग द्वेष अभी आया नहीं है, तो ऐसे निर्मल मन वाले युवाओं में ये उपदेश की बातें आसानी से प्रविष्ट हो जाती है। कितना सुंदर तरीके से समझाया है, बाणभट्ट की शैली है इसको, इसे मेरे उन विद्यार्थियों को जो इसे कठिन समझते हैं उनके लिए सरलता से अन्वय के साथ, पंक्तिश अन्वय के साथ आपको मैं दिखा रहा हूं, आप इन गद्यों को देखें, पॉज करके नोट कर लें अनुवाद, और इसके बाद जो पंक्तिश अन्वय करके इस काठिन्य को दूर करने का प्रयास मेरे द्वारा, ये अंतिम पंक्ति है और ये उसकी संक्षिप्त व्याख्या है। बहुत सुंदर तरीके से महाकवि बाणभट्ट ने, हर व्यक्ति के लिए पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है, हर व्यक्ति ध्यान रखे, आज के इस गद्य खंड में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगले खंड में।